हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं उत्कल बोल रहा हूँ। वेलकम टू स्टडी विद उत्कल। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, ठीक है। मैं आपको सारा जो जो भी चीज़ें पढ़ाऊँगा वो आपको पहले बता दिया है एक इंट्रोडक्शन क्लास में, और आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में पहले हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो भी पढ़ाऊँगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। और जो भी पढ़ाऊँगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप एक नोट में लिख लीजिएगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो टर्म है ये पहले कौन दिया था? उनका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, ठीक है। और ये जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, इसका जो पीरियड था वो था 2500 BC से 1750 BC, ठीक है। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किसने टर्म किसने दिया था? जॉन मार्शल। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो पहले कहां से कहां तक स्प्रेड हुआ था, लिख लीजिएगा। फ्रॉम सुतका गैंडर, सुतका गैंडर, ठीक है, सुतका गैंडर से 1500 BC इन द वेस्ट, वेस्ट से टू आलमगीरपुर इन द ईस्ट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इस जगह से इस जगह तक स्प्रेड हुआ था पहले। और ये वेस्ट से ईस्ट हो गया, नॉर्थ से साउथ भी देखेंगे। फ्रॉम मंडा इन नॉर्थ टू दाइमाबाद इन साउथ, दाइमाबाद इन साउथ, ठीक है। उसके बाद एक टेबल बना रहा हूँ, वो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका एग्जाम में आएगा कि कौन सा सिटी कौन से रिवर के पास है, मतलब रिवर के पास था, ठीक है। एक टेबल बना लीजिएगा,
पहले में लिख लीजिएगा सिटी, उसके बाद रिवर, उसके बाद आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। ठीक है, ये एक टेबल बना लीजिएगा। तो पहले हम लिखेंगे हड़प्पा, ठीक है। तो हड़प्पा जो है, ठीक है, एग्जाम में आएगा कि हड़प्पा अभी कहाँ पर है, अभी कौन सा जगह पर है, अभी पाकिस्तान पे है, ठीक है। हड़प्पा अभी पाकिस्तान पे है, ये कौन से रबी, कौन से रिवर के पास था, रबी, उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा हड़प्पा में कौन सा आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस या फिर आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिला है, ग्रैनरीज मिला है, ठीक है, ग्रैनरीज और मदर गडेस फिगरेंस। सेकंड में लिखेंगे मोहनजोदारो, मोहनजोदारो कहाँ पर है, ये भी पाकिस्तान पे है, और कौन से नदी के, रिवर के पास था, इंडस, याद रखिएगा। और एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है कि ग्रेट ग्रैनरी कौन से सिटी में मिला था, ग्रेट बाथ इमेज ऑफ पशुपति महादेव इमेज ऑफ बियर्डेड मैन एंड ब्रोंज इमेज ऑफ ओमन डांसर। ये सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है ग्रेट ग्रैनरी कहाँ मिला था, ग्रेट बाथ कहाँ मिला था, इमेज ऑफ पशुपति महादेव कहाँ मिला था, इमेज ऑफ बियर्डेड मैन कहाँ मिला था, ब्रोंज इमेज ऑफ ए वुमन डांसर कहाँ मिला था, ठीक है। ये सारा चीज़ इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर दीजिएगा। उसके बाद आपका आ गया, यहाँ पर हो गया सिटी, यहाँ पर हो गया रिवर, यहाँ पर हो गया आपका आर्कियोलॉजी, उसके बाद आपका हो गया लोथल बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा लोथल अभी कहाँ पर है, लोथल अभी है गुजरात में, कहाँ है, लोथल अभी है गुजरात में, सॉरी
लोथल अभी गुजरात में है, और ये कौन से नदी के किनारे था? भोगवा नदी, भोगवारी बार, भोगवारी बार। और यहाँ से क्या क्या मिला है आपका? यहाँ से मिला है पोर्ट सिटी, डबल बरियल, BURIAL, टेराकोटा, टेराकोटा हर्ष फिगराइन, टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी से बना वन टाइप ऑफ टॉय, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया, उसके बाद सिटी हो गया चाहूदारो, 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 चाहूदारो सिटी हो गया। और चाहूदारो सिटी कौन से रिवर के पास है? अभी चाहूदारो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, ठीक है। और ये कौन से रिवर के पास था? इंडस, और एग्जाम में आता है सिटी विदाउट ए सिटाडल, किसको बोलते हैं? चाहूदारो को बोलते हैं, सिटी विदाउट सिटाडल, याद रखिएगा। उसके बाद आपका हो गया धोलावीरा, धोलावीरा अभी कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, लिख लीजिएगा गुजरात में। और ये कौन से रिवर के पास है? इंडस, कौन से रिवर के पास था? इंडस, धोलावीरा। यहाँ पर कुछ नहीं मिला है। उसके बाद आ गया आपका कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ पर मिला, कहाँ पर है अभी? राजस्थान। और ये घाघर नदी के किनारे था, घाघर, घाघर। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्लाउड फील्ड कहाँ पर मिलता है? कहाँ पर मिला है प्लाउड फील्ड, ठीक है, ये आता है। ये कहाँ मिला है? कालीबंगन, राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया बनवाली, उसके बाद सिटी है आपका बनवाली, बनवाली कौन से रिवर के पास था? घाघर। यहाँ पर मिला है क्ले आरो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी याद रखिएगा। उसके बाद आपका हो गया सुतका जेंडर, सुतका जेंडर, ये अभी कहाँ पर है? हाँ, बनवाली कहाँ पर, कहाँ पर है? हरियाणा में, हरियाणा, ठीक है। और सुतका जेंडर पाकिस्तान में। ये कौन से नदी के किनारे था? दस्क, डी। यहाँ पर क्या मिला है? पोर्ट, पोर्ट लाइक कुछ मिला है, बंदर लाइक, बंदर के जैसा। और आपका क्वेश्चन आता है सुरकुर्दा, सुरकुर्दा कहाँ पर है?
ये गुजरात में है, ठीक है। इसका मालूम, इसके पास कोई रिवर के बारे में मालूम नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग कैसा था, ठीक है। टाउन प्लानिंग कैसा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, टाउन प्लानिंग। इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो टाउन प्लानिंग कैसा था, चेस बोर्ड जैसा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेस बोर्ड, चेस बोर्ड जैसा टाउन प्लानिंग था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और उनका जो हाउसेस है उनका शेप कैसा था, हाउसेस का शेप था रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, ठीक है। और ये भी आता है उनका हाउसेस कैसे बनता था, बर्नट ब्रिक्स से, जला हुआ जो ईटे बोलते हैं, ईटा, बर्नट ब्रिक्स, बर्नट ब्रिक्स से बनता था। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। और एक बात है, ड्रेनेज सिस्टम भी वहाँ पर मिला था, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी था। और फोर्टिफाइड सिटाडेल था, फोर्टिफाइड सिटाडेल का मतलब है स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, वन टाइप का आपका स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, फोर्टिफाइड सिटाडेल, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग था, सेफ्टी के लिए, छिपने के लिए यूज होता था, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में, कॉटन का ज़्यादातर यूज होता था, कॉटन मेजर ट्रेड गुड यूज होता था, ठीक है। एग्जाम में आता है राइस हस्क कहाँ मिला था, राइस हस्क, ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला था। राइस हस्क का मतलब जो आपका राइस का ऊपर का कवरिंग होता है उसको बोलते हैं राइस हस्क। व्हीट बर्ली का ज़्यादा यूज होता था, व्हीट बर्ली। एग्जाम में आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या फूड यूज होता है, होता था व्हीट बर्ली, आयरन का यूज नहीं पता था, आयरन का यूज नहीं पता था, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्या क्या एनिमल यूज करते थे डोमेस्टिकेशन में, एनिमल यूज होता था उनका, ऑक्स, बुफालो, गोट्स, सीप, पीग, ये सब यूज करते थे। लगेज को लेने के लिए
ठीक है, इधर उधर लेने के लिए आसेस और कैमल्स का यूज करते थे। एलिफेंट्स भी यूज, एलिफेंट्स का भी डोमेस्टिकेशन करते थे, एलिफेंट राइनोसोर्स, ठीक है, ये यूज करते थे। उसके बाद आपका हो गया एग्जाम में आता है हॉर्स कहाँ पर मिला था, रिमेन्स ऑफ हॉर्स कहाँ मिला था, यह आपका क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हॉर्स मिला था सुरकोटदा में, सुरकोटदा में, ठीक है। और कहाँ पर मिला था, मोहनजोदारो में भी मिला था और लोथल में भी मिला था, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट्स, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट्स, ब्रोंज का यूज करते थे, ठीक है। ब्रोंज, ब्रोंज किसको किसको मिला के बनता है, कॉपर एंड टिन, ठीक है, कॉपर टिन मिला के बनता है। उसके बाद पढ़ेंगे ट्रेड कैसे करते थे, ठीक है, ट्रेड कैसे करते थे, ट्रेड उन तभी क्या होता था, बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम मतलब लेन देन प्रथा जो बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास चावल ज़्यादा है, उनके पास दाल ज़्यादा है, एक दूसरे को एक्सचेंज कर देते थे, ठीक है, जिसको जो चाहिए वो ले जाते थे, जिसको चावल चाहिए उसको चावल दे देते थे, जिसके पास चावल ज़्यादा था, और दाल जिसको ज़्यादा था, ज़्यादा मतलब चाहिए था, उसको दूसरा दे देता था। उस बार्टर सिस्टम तब चलता था। उसके बाद आपका हो गया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, तभी टेम्पल यूज नहीं होता था, नो टेम्पल यूज, ठीक है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रिलीजियस प्रैक्टिस कैसे होता था, रिलीजियस प्रैक्टिस, रिलीजियस मतलब किसको पूजा करते थे, ठीक है, टेराकोटा, टेराकोटा फिगर किसका, टेराकोटा फिगर ऑफ मदर गॉडेस, टेराकोटा फिगर ऑफ मदर गॉडेस यूज करते थे। टेराकोटा फिगर ऑफ मदर गॉडेस यूज करते थे। उसके बाद फालस और योनि का पूजा करते थे, ठीक है, मतलब आपका हो गया फालस
योनि, ठीक है, इसका पूजा करते थे। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद ट्री और एनिमल को वर्शिप करते थे या नहीं। ट्री, पीपल पेड़ को पूजा करते थे, पीपल ट्री, पीपल ट्री। और एक बात है, अमुलेट्स, अमुलेट्स का यूज करते थे, अमुलेट्स, अमुलेट्स का यूज करते थे। घोस्ट और इविल स्पिरिट को भगाने के लिए अमुलेट्स का मतलब होता है ताबीज, जो बोलते हैं। एग्जाम में आता है तभी, मतलब कौन से एनिमल के बारे में पता था इंडस वाली सिविलाइजेशन में, एग्जाम में आता है उस, मतलब ऑप्शन में दे दिया होगा, टाइगर, टाइगर, हॉर्स, लायन, एलिफेंट, उसमें किसका पता नहीं था, लायन, ठीक है, लायन वाज नॉट नोन, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे, उनका स्क्रिप्ट कैसा था, एग्जाम में आता है स्क्रिप्ट, पिक्टोग्राफिक, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट होता है, मतलब पत्थर के, स्टोन के ऊपर मतलब बनाते थे, फिगर बनाते थे, स्क्रिप्ट वैसा था। और इनका जो हरप्पन का स्क्रिप्ट है, हरप्पन स्क्रिप्ट इज द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट, ये आप याद रखिएगा। मेजरमेंट कैसे करते थे, मेजरमेंट कैसे करते थे, वेट्स एंड मेजर, वेट्स एंड मेजर कैसे करते थे, एक सेकंड रुकिएगा। वेट्स एंड मेजर्स कैसे करते थे, उनका जो वेट्स था वो मल्टीपल्स ऑफ 16 था, 16 का मल्टीपल का वेट्स यूज करते थे। उसके बाद क्या पॉटरी यूज करते थे, हरप्पन पॉटरी, पॉटरी क्या यूज करते थे, उनको पता था वेल डेवलप्ड पॉटरी, वेल डेवलप्ड पॉटरी टेक्निक्स, कैसे पॉट, पॉट कैसे बनाते हैं वो उनको मालूम था, वेल डेवलप्ड पॉटरी टेक्निक्स। स्टैचू, कौन सा स्टैचू यूज करते थे, डिस्कवरी ऑफ ब्रोंज स्टैचू, वहाँ पर ब्रोंज स्टैचू मिला है, ब्रोंज स्टैचू यूज करते थे, ब्रोंज स्टैचू ऑफ नेकेड वोमैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड बियर्डेड मैन, यहाँ कहाँ पर मिला था, मोहनजोदड़ो में, हम ऊपर पढ़े थे। बियर्डेड मैन का स्टैचू किसमें बना था, स्टीयरटाइट, स्टीयरटाइट स्टैचू, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद हमारा वैदिक एरा शुरू हो गया, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक एरा,
तो वैदिक एरा वैदिक एरा जो है, ठीक है, पहले हम जानते हैं वेदों का मीनिंग क्या है। वेद का मीनिंग होता है नॉलेज। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नॉलेज, वेद का मीनिंग है नॉलेज। वेद कितना टाइप का है? फोर टाइप्स ऑफ वेद। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद, उसके बाद आपका हो गया सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, उसके बाद आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले लिखते हैं ऋग्वेद, ठीक है, यहाँ लिखते हैं। आप इसको नोट में अच्छे से लिख लीजिएगा, ऋग्वेद बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले तो वैदिक एरा जो है, ये कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक चला था? 1500 बीसी से 1000 बीसी, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ऋग्वेद पढ़ेंगे। ऋग्वेद जो है ये ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है, ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है। एग्जाम में आता है ये कितना हिम्स को लेके बना था, 1028 हिम्स। और ये जो 1028 हिम्स है, इसको कन्वर्ट किया गया है 10 मंडलस में। एग्जाम में आपका आता है गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? गायत्री मंत्र है थर्ड मंडल, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका हो गया एक सेकंड रुकिएगा, उसके बाद हम देखेंगे और क्या इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इम्पोर्टेंट आपका है टेंथ मंडल। टोटल कितना मंडल होता है? 10 मंडल होता है। टेंथ मंडल जो है, ठीक है, वो उसमें चार वर्ण
वर्ण जो है चार वर्ण वो लिखा गया है। चार वर्ण मतलब क्या? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये आप लिख लीजिएगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लैटर वैदिक पीरियड, लैटर वैदिक पीरियड। ये कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक था? 1000 BCE से 600 BCE तक, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में आपका आता है सामवेद, ठीक है। और सामवेद जो है एग्जाम में आपका आता है म्यूजिक, कौन से वेद से रिलेटेड है? म्यूजिक सामवेद से रिलेटेड है, और सामवेद जो वर्ड से मतलब ओरिजिनेट हुआ है वो है सामन, और सामन का मतलब होता है मेलोडी, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे यजुर्वेद, 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 यजुर्वेद किससे रिलेटेड है? सैक्रिफिशियल रिचुअल से रिलेटेड है, सैक्रिफिशियल रिचुअल्स एंड फॉर्मूला, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। उसके बाद पढ़ेंगे अथर्ववेद, उसके बाद पढ़ेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या क्या इम्पोर्टेंट है? चार्म्स, स्पेल्स, ये सब इसमें आता है, ठीक है। डिजिज, मैजिकल फॉर्मूला, मैजिकल फॉर्मूला, एक सेकंड, स्पेल्स, डिजीज, मैजिकल फॉर्मूला, ये सब आता है अथर्ववेद में, ये एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्राह्मणस, उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्राह्मणस, ब्राह्मणस ऋग्वेद एग्जाम में आता है। ऋग्वेद कौन सा ब्राह्मण से रिलेटेड है? ऋग्वेद रिलेटेड है वैत्तरीय एंड कौशितिकी ब्राह्मण, वैत्तरीय एंड कौशितिकी ब्राह्मण। उसके बाद यजुर्वेद जो है वो किससे किससे रिलेटेड है? सप्तपद एंड तैतरीय ब्राह्मण, सप्तपद एंड तैतरीय ब्राह्मण। उसके बाद सामवेद, सामवेद किससे रिलेटेड है? पंचविश, पंचविश
चांडोक्या साधा विश्व जयमेनिया। इसमें इम्पोर्टेंट ये दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप चाहिए तो याद रखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद अथर्ववेद, ये इम्पोर्टेंट है, अथर्ववेद, अथर्ववेद में कौन से ब्राह्मण का आता है? गोपथ, गोपथ ब्राह्मण, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे उपनिषद, उपनिषद में एक पॉइंट याद रखिएगा, आपका जो सत्यमेव जयते है, ठीक है, वो एग्जाम में आता है कौन से उपनिषद से लाया गया है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लाया गया है मंडूक उपनिषद, मंडूक उपनिषद, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेदांगस, जो भी चीजें बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट में लिख लीजिएगा, एग्जाम में इसी में से ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। वेदांगस, वेदांगस में फोनेटिक्स को क्या बोलते थे? शिक्षा, शिक्षा मीन्स फोनेटिक्स था। ये याद रखिएगा। ग्रामर को क्या बोलते थे? व्याकरण। ये आपको तो मालूम हुआ। उसके बाद निरुक्त, 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 निरुक्त का मतलब होता है वर्ड्स का ओरिजिन का, मतलब इसको बोलते हैं एटिमोलॉजी, वर्ड्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है उसके बारे में जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं एटिमोलॉजी। उसके बाद छंद, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को बोलते थे छंद। उसके बाद ज्योतिष, ज्योतिष किसे बोलते थे? एस्ट्रोनॉमी को। ये तो आपको मालूम होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे महाकाव्य, उसके बाद पढ़ेंगे महाकाव्य, महाकाव्य, महाकाव्य जैसे कि रामायण हो गया, रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं रत्नाकर, ठीक है। और आपका हो गया महाभारत, महाभारत, उसके बाद हम पढ़ेंगे पुराण। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है महाकाव्य। उसके बाद पढ़ेंगे पुराण, तो पुराणों पुराणों में 18 जो है 18 है, महापुराण है, महापुराण,
ठीक है, ये किनको डेडिकेटेड किया जाता था, डेडिकेट किनको किया जाता था, ब्रह्मा, सूर्य, अग्नि, शैव, वैष्णव, ठीक है। तो पुराण, पुराण में इम्पोर्टेंट क्या होता, इम्पोर्टेंट क्या है, भगवत पुराण, मत्स्य पुराण, उसके बाद आपका हो गया गरुड़ा पुराण, उसके बाद आपका आ गया उपवेद, उपवेद क्या है, उपवेद में इम्पोर्टेंट आयुर्वेद मेडिसिन को बोला जाता था, ये एग्जाम में आता है। गंधर्व वेद किससे रिलेटेड है, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद तो रिलेटेड है म्यूजिक से। उसके बाद धनुर्वेद, धनुर्वेद रिलेटेड है आर्चरी से, आर्चरी को धनुर्वेद बोलते थे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे दर्शन, उसके बाद पढ़ेंगे दर्शन, दर्शन जो है, ठीक है, ये एग्जाम में आता है कौन से मुनि, कौन से ऋषि ने इसको डेवलप किया था या ओरिजिनेट किया था, जैसे कि सांख्य, सांख्य किसने किसने ओरिजिनेट किया था, कपिला मुनि, कपिला मुनि। उसके बाद क्वेश्चन आता है योगा, योगा किसने डेवलप किया था, पतंजलि ने। उसके बाद न्याय, न्याय, न्याय किसने डेवलप किया था, गौतम ने, गौतम मुनि, गौतम। उसके बाद वैशेषिका, वैशेषिका, वैशेषिका किसने डेवलप किया था, कन्नड़ मुनि ने। उसके बाद पढ़ेंगे मीमांसा, मीमांसा, एक सेकेंड, मीमांसा, मीमांसा किसने डेवलप किया था, मीमांसा डेवलप किया था जामिनी मुनि, जामिनी मुनि। और उसके बाद आपका वेदांत, ठीक है, वेदांत किसने डेवलप किया था, व्यास, व्यास मुनि, ठीक है। ये सारा चीज जो मैंने बताया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद वो छोटा छोटा चीज है वो याद रखेंगे, जैसे कि जो लेटर वैदिक पीरियड है, ठीक है, उसमें क्या होता था कि वुमेन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, वुमेन वेर नो लॉन्गर अलाउड इन दिस असेंबलीज,
इसको आप इरेज करके एक नोट में लिख लीजिएगा। लेटर वैदिक पीरियड में क्या था कि वोमेन हैव लेस इम्पोर्टेंस, वोमेन हैव लेस इम्पोर्टेंस देन मेन, ठीक है। उसके बाद एक रिचुअल्स, तीन टाइप का रिचुअल्स किया जाता था, रिचुअल्स टू स्ट्रेंथन किंग्स पावर्स, स्ट्रेंथन किंग्स पावर्स मतलब राजा का मतलब पावर को एनहांस करने के लिए एक रिचुअल होता था, मतलब तीन टाइप का रिचुअल होता था। पहला होता था अश्वमेध, सेकंड में होता था वाजपेय, थर्ड में होता था राजसूय, राजसूय, ठीक है। अश्वमेध का मतलब घोड़े को छोड़ देते थे, मतलब हॉर्स को छोड़ देते थे, जितना जगह वो जाता था वो जगह राजा का हो जाता था। वाजपेय उस टाइप का चैरिट रेस बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी रेस होता था। राजसूय का मतलब आपका होता था, मतलब जैसे किंग एक मतलब उनका पावर बढ़ाने के लिए, किंग का पावर बढ़ाने के लिए राजस्व होता था। मतलब एक मतलब मान लीजिए एक किंग होगा, उससे ऊपर के पदवी को जाने के लिए, ठीक है, राजस्व प्रोसेस होता था। तो ये सारा कंप्लीट हो गया। और एक बात है, आपका एग्जाम में आता है लेटर वैदिक पीरियड में कौन सुप्रीम गॉड होता है, आपका प्रजापति, ठीक है। आपका जो ईयरली वैदिक पीरियड में वहां पर सुप्रीम गॉड कौन होता है, इंद्र, यहाँ पर लेकिन प्रजापति होते हैं सुप्रीम गॉड। बस इतना ही, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये, आपका हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, इसको नोट अच्छे से बना दीजिएगा, ठीक है। जो जो भी पढ़ाया हूँ वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।